गाइस आप एक फ़ोन बाय करना चाहते हैं, आपका बजट है 10,000। तो भाई आजकल का जो मार्केट है ना इंडिया के अंदर, उसमें प्राइस रेंज इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि एक एक प्राइस पे आपको कंपटीशन बहुत ज़्यादा देने के लिए मिल जाएगा। 9,500 रुपये में, 9,000 में, 10,000 में, 10,500 में, एक नहीं दो नहीं आपको तीन तीन चार चार और इवन 5 से ज़्यादा फ़ोन भी देखने के लिए मिल रहे हैं। जो हमारा 15 से और ये 7,000 का जो प्राइस रेंज है बहुत ज़्यादा बिजी हो चुका है, आपको बेहिसाब फ़ोन यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। गाइस ऐसे में आपके मन में बहुत सारे सवाल आते होंगे और स्पेशली आपके मन में तीन मोबाइल्स के नाम आते होंगे। पहला आपको मिलता है 10,000 में रेडमी का 9 प्राइम, दूसरा है 10,500 में रियलमी का नार्जो 20 जो अभी लॉन्च हुआ है एक हफ्ते पहले, और एक तीसरा फ़ोन है जो अभी लॉन्च हुआ है 2 दिन पहले जिसका नाम है मोटो E7 प्लस। काफ़ी अच्छे फ़ोन हैं तीनों, तीनों ही काफ़ी अच्छी वैल्यू आपको प्रोवाइड करते हैं और काफ़ी अच्छी प्राइस है प्रोवाइड करते हैं। भाई देखो फ़ोन कोई बुरा नहीं होता, एक कंपनी जो होती है एक अलग तरीके की ऑडियंस को टारगेट करके फ़ोन बनाती है। अब डिसाइड आपको करना है कि आप किस टाइप की ऑडियंस हो। यहाँ पर मैं आपको तीनों फ़ोन का कंपैरिजन बता रहा हूँ और बताऊँगा कि आपके लिए बेस्ट मोबाइल कौन सा हो सकता है। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, मेरा नाम है एमके सिंह, आप देख रहे हैं टेक्निकल एमके सिंह यूट्यूब चैनल। अगर आपको टेक वीडियो में इंटरेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको डेली टेक वीडियो देखने के लिए मिलती रहे। अगर हम बात करते हैं डिस्प्ले वगैरह की, तो तीनों में आपको सेम सी डिस्प्ले मिल जाती है। साइज़ के मामले में 6.5 इंच की HD+ डिस्प्ले आपको नार्जो 20 और मोटो E7 प्लस में देखने के लिए मिलती है, जबकि सेम इसी साइज़ की 6.5 इंच की फुल HD+ डिस्प्ले आपको देखने के लिए मिलती है Redmi 9 प्राइम में। Redmi 9 प्राइम के अंदर आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन है, E7 प्लस में आपको कोई प्रोटेक्शन नहीं दी गई है, और जबकि नार्जो 20 में आपको प्रोटेक्शन के बारे में सिर्फ बात की गई है कि हाँ इसमें आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन मिलती है। अब ये नहीं पता 3 की है या फिर 2 की है या फिर इससे भी बुरे लेवल की है, तो यहाँ पर कुछ भी क्लैरिफाई नहीं किया गया है। मेरे ख्याल से अगर 3 की दी होती तो कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 स्पेसिफाई किया होता, तो यहाँ पर जो प्रोटेक्शन है वो आप अननेम्ड प्रोटेक्शन कह सकते हैं। तो भाई डिस्प्ले वगैरह की हम बात करें तो यहाँ पर क्लियर हो चुका है कि Redmi 9 Prime एक क्लियर विनर है। अगर आपको आउटडोर मोबाइल यूज़ करना है तो आपको धूप में चलाना पड़ता है मोबाइल, और वहाँ पर HD+ में और फुल HD+ में साफ डिफरेंस दिख जाता है। HD+ डिस्प्ले जो होती है बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करती है धूप में, और जबकि फुल HD+ आपके अच्छे से वर्क करती है। तो यहाँ पर आप अगर कंटेंट वगैरह वॉच करते हैं ज़्यादा टाइम तक, तब भी आपकी जो आँखों को अच्छा इफेक्ट, अच्छे कलर्स प्रोड्यूस करती है यहाँ पर फुल HD+ डिस्प्ले। बट HD+ डिस्प्ले इतने अच्छे कलर्स प्रोड्यूस नहीं करती है। बट अगर साइज़ आपका 6 इंच से कम है तब ये फ़र्क देखने को नहीं मिलता मोस्टली ज़्यादातर केसेस में। बट अगर कि जो आपकी स्क्रीन का साइज़ है वो 6 इंच से ऊपर हो जाता है, देन आपको क्लियरली विजिबल हो जाता है फुल HD+ और HD+ का जो डिफरेंस है वो आपके सामने आ ही जाता है। तो यहाँ पर डिस्प्ले के मामले में तो फुल HD+ और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 आपको दोनों मिल रहे हैं Redmi 9 Prime में। डिज़ाइन की आपकी अपनी अपनी पसंद हो सकती है, आपको कोई सा भी डिज़ाइन अच्छा लग सकता है। पर्सनली अगर मैं बताऊँ तो मेरा पर्सनल फेवरेट है Redmi 9 Prime का डिज़ाइन, जो मुझे काफ़ी इंप्रेसिव लगता है। बैक साइड में पॉलीकार्बोनेट की बॉडी मिलती है, किसी में भी आपको ग्लास नहीं मिलता बैक साइड में देखने के लिए, और सबसे अच्छी बात तो ये है कि तीनों में ही आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने के लिए मिल जाता है। अब बात करते हैं किसी भी फ़ोन के मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट की, जिसका नाम है परफॉर्मेंस। जी हाँ, इसके अंदर कौन सा प्रोसेसर यूज़ हुआ है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर Redmi 9 Prime की, तो उसमें आपको मिलता है MediaTek का हेलियो G80 और G85 मिलता है नार्जो 20 में। G80 और G85 सेम से ही प्रोसेसर हैं। कॉर्टेक्स A75 की कोर्स आपको मिलती है परफॉर्मेंस के लिए, और कॉर्टेक्स A55 की कोर्स मिलती है आपको एफिशिएंसी के लिए। काफ़ी अच्छा स्कोर करते हैं दोनों के, जो अंतत स्कोर हैं 2 लाख के आसपास जाते हैं G85 में, और G80 में इतना फ़र्क नहीं है। बस उनका जो GPU है, एक में 950 MHz तक क्लॉक है G80 में और 1 GHz तक क्लॉक है G85 में, पर इसके अलावा कोई भी डिफरेंस यहाँ पर नहीं मिलता है। इसी वजह से अंतत स्कोर में भी सिर्फ 5,000 का डिफरेंस आता है। बट अगर हम बात करते हैं दूसरी तरफ, स्नैपड्रैगन का 460 आपको देखने के लिए मिलता है मोटो के E7 प्लस में। तो 460 काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड करता है, एक पावरफुल परफॉर्मेंस स्नैपड्रैगन की तरफ से under 10K मिल रही है। और आप सब जानते हैं यार कि गेमिंग भले ही आप MediaTek के प्रोसेसर से अच्छी कर पाएँ, बट वो ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते हैं। तो यहाँ पर आपका फ़ोन 6-7 महीने के बाद और मैक्सिमम 1 ईयर के बाद हल्का हीटिंग इशूज़ कुछ ज़्यादा फेस करने पड़ेंगे आपको, और साथ में आपको जो और भी चीज़ें होती हैं लाइक लैग वगैरह देखने के लिए, वो सब MediaTek के जो प्रोसेसर होते हैं उसमें ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू स्नैपड्रैगन प्रोसेसर। स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर क्या होता है कि ऑप्टिमाइजेशन काफ़ी अच्छे से होता है, और वहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देखने के लिए मिल जाती है, एक बैलेंस परफॉर्मेंस आप इसको बोल सकते हैं। ज़्यादा लंबी गेमिंग के लिए इन तीनों में से कोई भी प्रोसेसर नहीं बना है, और तीनों में से किसी मोबाइल में भी आपको कूलिंग सिस्टम देखने के लिए नहीं मिलता है।
तो स्पेशली अगर आप गेमिंग के लिए टारगेट कर रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप अपना बजट 2-3 हज़ार रुपये और बढ़ा लीजिएगा और पोको M2 प्रो या फिर रियलमी 7 वगैरह आप बाय कर लीजिएगा 14999 और 14000 में, वो आपके लिए बेस्ट चॉइस होगी। यहाँ पर आप बैलेंस परफॉर्मेंस की तरफ जाइए तो आपके लिए बेटर हो सकता है, जिसमें आपका स्नैपड्रैगन 460 एक एवर लास्टिंग परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड करता है, जहाँ पर आप 2 से 3 साल अपने फ़ोन को आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको फ़ोन बदलने का शौक नहीं है देन आपके लिए स्नैपड्रैगन 460 काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और मोटो E7 प्लस यहाँ पर बैलेंस के मामले में आगे निकल जाता है और गेमिंग के मामले में ये दोनों फ़ोन नार्जो 20 और रेडमी 9 प्राइम आगे निकल जाते हैं। अंतुतु स्कोर की बात करें तो 152,000 अंतुतु स्कोर पहुंचा है हमारा स्नैपड्रैगन के 460 का और 2 लाख के आसपास पहुंचता है मेटेक के हेलियो G80 और G85 दोनों का नहीं है, बट फैब्रिकेशन प्रोसेस स्नैपड्रैगन 460 की 11 नैनोमीटर है और उन दोनों की 12 नैनोमीटर है। तो फैब्रिकेशन में पावर एफिशिएंसी में आपका स्नैपड्रैगन 460 काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आगे रहने वाला है। और दूसरी बात यह है कि आपको यहाँ पर स्टॉक एंड्रॉयड देने के लिए मिलता है मोटो के E7 प्लस में, जो इस फ़ोन को काफ़ी अच्छा बना देता है अंडर 10,000। यहाँ पर आपको कोई एड्स वगैरह देखने के लिए नहीं मिलेगा जैसे कि आपको MIUI और Realme UI में देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर आपको बिल्कुल एड्स फ्री और एक लाइट आप फील करोगे और इस वजह से आपका जो फ़ोन है वो बैटरी भी कम खाएगा और आपकी जो पावर एफिशिएंसी है वो ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो जाएंगे उसके अंदर। अब बात करते हैं सेल्फी डिपार्टमेंट की, तो तीनों ही फ़ोन्स में आपको सेम से सेल्फी मिलती है 8 मेगापिक्सल की। जी हाँ, आप 10,000 रुपीज़ खर्च कर रहे हैं 10,500 तो आपको 8 मेगापिक्सल ही मिल रही है इस समय, इससे ऊपर कोई भी मोबाइल आपको नहीं प्रोवाइड करा रहा है इससे बड़ी सेल्फी। सिर्फ एक दो फ़ोन्स हैं जिसमें आपको 13 मेगापिक्सल वगैरह देखने के लिए मिल जाती है, वो हैं लाइक लावा का Z66 Pro, उसमें आपको 13 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है। इसके अलावा कोई फ़ोन नहीं है जिसमें आपको इससे ज़्यादा सेल्फी देखने के लिए मिलती है। बैक साइड में आपको अलग अलग डिफरेंस हैं। मोटो E7 प्लस में आपको डुअल कैमरा मिलता है जिसमें 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है, एक 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है। रेडमी 9 प्राइम में आपको 4 कैमरे मिलते हैं, जहाँ पर 13 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, 5 मेगापिक्सल का मैक्रो है और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है। और वहीं नार्जो 20 में आपको 3 कैमरा मिलते हैं, जहाँ पर आपका मेन कैमरा है 48 मेगापिक्सल का और एक अल्ट्रा वाइड आपको मिलता है 8 मेगापिक्सल का और एक 2 मेगापिक्सल का मिलता है आपको मैक्रो लेंस। अगर हम इन तीनों मोबाइल के कैमरा को कंपैरिजन करते हैं तो आपको ये क्लियरली होगा कि 48 मेगापिक्सल आपको मोटो E7 प्लस में भी देखने के लिए मिल रहा है और रियलमी के नार्जो 20 में देखने के लिए मिल रहा है। तो अगर आपको 48 मेगापिक्सल से लव है, प्यार है, तो आपके लिए दोनों फ़ोन हैं। बट आपको अगर मैक्रो लेंस वगैरह चाहिए तो आपके लिए मोटो E7 प्लस नहीं है, आप उनकी तरफ जा सकते हैं दोनों की तरफ, रेड 9 प्राइम और साथ में नार्जो 20। बट जहाँ तक मुझे लगता है 99.99% लोगों को मैक्रो शॉट्स की ज़रूरत नहीं होती है, उन्हें 48 मेगापिक्सल मिल रहा है उनके लिए काफ़ी है। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि आपको मोटो E7 प्लस और नार्जो 20 दोनों ही कैमरा में काफ़ी बेटर परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड करते हुए नज़र आ जाएंगे, बट आपको नार्जो 20 में और रेडमी 9 प्राइम में एक अल्ट्रा वाइड का ऑप्शन एक्स्ट्रा मिलता है जो आपको यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलता। तीनों में से किसी मोबाइल में भी आपको ऑप्शन नहीं मिलता EIS का। जी हाँ, बैक साइड में आप वीडियो में EIS को इनेबल नहीं कर पाएंगे, आपके फ़ोन की जो स्टेबिलिटी है वीडियो रिकॉर्ड करते समय वो आपकी नहीं बन पाएगी। बात करते हैं बैटरी डिपार्टमेंट की, तो दोनों में आपको 5000 mAh की बड़ी बैटरी देखने के लिए मिलती है 9 प्राइम में और मोटो के E7 प्लस में, और साथ में आपको 10 वाट का चार्जर भी देखने के लिए मिलता है। बट रेडमी 9 प्राइम आपका 18 वाट के चार्जिंग को सपोर्ट करता है बट आपको आउट ऑफ द बॉक्स 18 वाट नहीं मिलता। बट नार्जो 20 इन दोनों मामलों में ही इन दोनों से आगे है, आपको 6000 mAh की बड़ी बैटरी मिली है और इसको जल्दी चार्ज करने के लिए 18 वाट का एक फास्ट चार्जर भी आपको अवेलेबल है। तो बैटरी डिपार्टमेंट में आपको क्लियरली यहाँ पर रियलमी का नार्जो 20 विनर निकल करके आ जाता है। अब बात करते हैं ओवरऑल कंक्लूजन की, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको बता दूँ। डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड आपको नहीं मिलता यहाँ पर मोटो के E7 प्लस में, बट इन दोनों में आपको देखने के लिए मिल जाता है। मिनिमम 4+64 GB का वेरिएंट लॉन्च हुआ है 9499 का मोटो E7 प्लस का। 10,000 में आपको मतलब 9999 में देखने के लिए मिल जाता है आपको रेडमी का 9 प्राइम 464 और 464 आपको नार्जो का 20 देखने के लिए मिल जाता है 10499 में, यानी कि तीनों में आपको 500-500 रुपये का फ़र्क है। मगर अगर आपको मेरे हिसाब से अल्ट्रा वाइड की इतनी नीड नहीं है देन आप 48 मेगापिक्सल के साथ में 1000 रुपीज़ कम में भी जा सकते हैं, जहां पर आपको मोटो के E7 प्लस में आपको देखने के लिए मिल रहा है 48 मेगापिक्सल का कैमरा, 8 मेगापिक्सल की सेल्फी, बैटरी भी काफ़ी ठीक ठाक है, 10 वाट की चार्जर भी आपको देखने के लिए मिल जा रहा है। तो मतलब बैटरी आपके लगभग 3 घंटे के आसपास चार्ज होगी, बट एक बार चार्ज हो गई तो आराम से 1 से 1.5 दिन का बैटरी बैकअप आपको प्रोवाइड कर देगी। फिंगरप्रिंट सेंसर भी आपको अवेलेबल है। बट अगर आपको चाहिए एक अल्ट्रा वाइड कैमरा और एक फुल HD+ डिस्प्ले आपकी बेसिक नीड है देन आपके लिए रेडमी 9 प्राइम एक बेस्ट ऑप्शन है। बट अगर आपको एक फास्ट चार्जिंग और एक बड़ी बैटरी चाहिए देन मैं कहूँगा नार्जो 20 आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है।
अभी आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए कौन सा बेस्ट ऑप्शन है। तो बाकी उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है, कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिएगा, उसका आंसर मैं आपको जरूर करूँगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।